guys, welcome back to my channel. If you haven't subscribed to my channel, please do that right now and don't forget to press the bell icon. So today I'll be doing full face of makeup by using only my glam products. अभी मैंने फेस पे कुछ नहीं लगा रखा है, वो आई डोंट नो व्हाई दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने फेस पे बहुत कुछ लगा रखा है, बट मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने काजल लगा रखा है. बिकॉज काजल मैंने माई ग्लैम से ऑर्डर करा था बहुत पहले, बट मुझे अभी वो मिल नहीं रहा है, सो इसलिए मैंने अपना ब्लैक काजल लगा लिया है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आई एम यूजिंग दिस ग्लो ब्राइटनिंग एसेंस बाय माई ग्लैम. इट्स रियली गुड मॉइस्चराइजर गाइज. मैं इसे एज अ मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, सो इससे काफी अच्छा ग्लो भी आ जाता है फेस पे, और मैंने अभी अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगा रखा, सो इसलिए मैं इसे एज अ मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ. बट आप इसके ऊपर डायरेक्ट अपना बेस मेकअप भी कर सकते हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छा है गाइज. कुछ चीजें मैं इसमें फर्स्ट टाइम यूज करूंगी, तो वो आपको ऑनेस्ट रिव्यू मेरा मिल जाएगा. ये तो मैंने पहले यूज कर रखा है. तो सेकेंड प्रोडक्ट आई एम यूजिंग दिस माई ग्लैम टिंटेड परफेक्शन बेस प्राइमर एंड पोर मिनिमाइजर. सो इसकी पैकेजिंग काफी लग्जूरियस है और मुझे काफी अच्छा लगता है ये प्राइमर. काफी अच्छा प्राइमर है ये. सबके प्राइस मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, बट आपको ये काफी अच्छे अच्छे ऑफर्स पे मिलता रहेगा. सो मैं लिंक डाल दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस लिंक से प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो. ये देखो गाइस, इतनी स्मूथ स्किन लगती है गाइस इसके बाद, मतलब ऐसे मक्खन जैसी स्किन हो जाती है. बहुत पसंद है मुझे प्राइमर. काफी अच्छे अच्छे ऑफर्स चलते रहते हैं माई ग्लैम पे, बहुत बड़ी ऑफर्स. अभी आई थिंक चॉकलेट डे स्पेशल का कोई ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 100% कैशबैक मिलेगा. उसमें आप कुछ भी ऑर्डर करो, वो 1000 रुपीज या 2000 जितने का भी आप ले रहे हो, वो आपके माई ग्लैम पॉइंट्स में ऐड हो जाएगा, तो आप उसे बाद में यूज कर सकते हो. बट हाँ, उसे अकाउंट में आप वापस नहीं ले सकते हो, सो ये थोड़ा है. बट माई ग्लैम में वो स्टोर हो जाएंगे आपके कैशबैक, आप उसके बाद में और शॉपिंग कर सकते हो. सो काफी अच्छे अच्छे ऑफर्स चलते रहते हैं. सो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दे दूंगी, आप उससे प्लीज चेकआउट कर लेना. सो अब मैं यूज करने वाली हूँ ये माई ग्लैम का कंसीलर विद हाइलुरोनिक एसिड सुपर सीरम. इनकी नई न्यू रेंज आई थी, एंड आई एम इन द शेड 101C आइवरी. ये मैं खुद फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, मैंने यूज नहीं करा. देखो मैंने पैकेजिंग भी नहीं खोली है. सो काफी अच्छी और लग्जूरियस पैकेजिंग है इसकी, ये देखो. सो आधे पैसे तो आई थिंक माई ग्लैम की पैकेजिंग के होते हैं. सो ये मैं खुद फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ. लेट्स सी कैसा काम करता है, लेट्स सी ये कैसा वर्क करता है. इतनी बुरी आदत है गाइज, मैं मेकअप करना स्टार्ट कर देती हूँ और मेरे पास मिरर नहीं होता. मैं सोचती हूँ मैं कैमरे में देख के मेकअप कर लूंगी. सो काफी बुरी आदत है मेरी. सो मुझे कंसीलर काफी ज्यादा अच्छा लगा. सारे प्रोडक्ट्स की मैं रेटिंग स्क्रीन पे ही आपको देती रहूंगी, तो आपकी चॉइस है आपको परचेज करना है या नहीं करना. मेरे ऑनेस्ट रिव्यूज है, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. देन मेरे पास ये है फाउंडेशन, ये माई ग्लैम का. इनका भी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है. ये सुपर सीरम रेंज में भी फाउंडेशन लॉन्च हुआ है, वो मैंने ऑर्डर कर रखा है, अभी आया नहीं है. सो मैं ये वाला फाउंडेशन भी फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ. इट्स FD03 न्यूट्रल आइवरी, एंड ये इसकी पैकेजिंग है. आई थिंक मैंने एक शेड डार्क मंगा लिया है, मुझे लग रहा है, बट अब मंगा लिया है तो वर्क तो करना पड़ेगा. सो ये इसकी पैकेजिंग है, पंप वाली पैकेजिंग है, बट काफी डार्क लग रहा है इस पे, बट फेस पे लगाने के बाद उतना डार्क नहीं लग रहा है, विच इज अ गुड पॉइंट. सो ठीक है, ये फाउंडेशन अच्छा है, बट मेरा शेड की थोड़ा इशू हो गया, शायद एक लाइट शेड लेना चाहिए था मुझे, बट ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं लग रहा, विच इज अ गुड पॉइंट. मुझे अच्छा लगा ये फाउंडेशन. प्राइस एंड एवरीथिंग यू विल सी ऑन द स्क्रीन. दिस पाउडर इज ये देखो, ये खत्म भी हो रहा है. मैंने एक और ऑर्डर करके ऑलरेडी रखा हुआ है, मेरे पास पड़ा हुआ है. इसका थोड़ा फॉल आउट ज्यादा है बस, बट दिस इज द बेस्ट HD पाउडर. बहुत अच्छा लगता है मुझे पाउडर, बस इसका फॉल आउट का इशू है, अदरवाइज द पाउडर इज जस्ट बॉम्ब. सो नेक्स्ट आई हैव दिस पॉपेक्सो मेकअप कलेक्शन सेंड नोड्स, मुझे लगा न्यूड्स है, सेंड नोड्स फॉर आई शेडो किट, एंड दिस इज द शेड इज नॉट रिटन शेड पैलेट, मतलब ये आई शेडो पैलेट है. करते करते ही मुझे दिखा कि मेरे नेल्स की हालत बहुत ज्यादा बुरी है, वैसे भी आधे टूट रहे हैं आधे ठीक है,
सो मैंने फटाफट से नेल पेंट लगा ली। वीडियो में ही ध्यान दिया मैंने कि मेरे नेल्स में आधा नेल पेंट है आधा नहीं है, सो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने फटाफट से नेल पेंट लगा दी। तो आधों में आपको अजीब से नेल दिखेंगे, आधे में फिर भी थोड़े से सही से लगेंगे, अभी सूखी भी नहीं है ढंग से, बट मुझे वीडियो कंप्लीट करनी है। सो आई विल वर्क विद ब्राउन्स ओनली, सो आई एम टेकिंग दिस मैच शेड। इसमें कोई भी क्रीज के लिए शेड नहीं है, लाइट शेड है समथिंग, सो मैं डायरेक्ट ब्राउन शेड यूज कर रही हूँ। ज़्यादा अच्छी पिगमेंटेशन नहीं लग रही है इसमें मुझे लाइट की, तो स्पेशली ठीक है। शिमर शेड की पिगमेंटेशन अच्छी है, सी। सो ये है नॉट वेरी बैड पिगमेंटेशन और नॉट वेरी गुड, इट्स एन ओकेश पिगमेंटेशन। अच्छा लग रहा है, दोनों कलर्स मिक्स हो गए हैं। सो इस पे मैं थोड़ा सा ये पिंक शिमर ही यूज कर रही हूँ। ओ ओ ओ ड्रामेटिक टाइप का लाइनर, कलर लाइनर, विच इज माय ग्लैमलेट लिक्विड ग्लॉसी आई लाइनर। ये मैंने ग्रीन पहना है तो मैंने ग्रीन ही लिया है। इसमें आई थिंक 4 to 5 शेड्स हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक एंड पर्पल। सो इसमें मैं सिर्फ आपको सबसे पहले इसकी पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ, वन स्वाइप। इतना प्यारा लग रहा है गाइज लाइनर, बट मैंने ये जरूर देख लिया कि मिरर में मेकअप बहुत ज्यादा सटल लग रहा है, इसमें थोड़ा सा डार्क लग रहा है, इतना डार्क लाइनर है नहीं है जितना इस पे दिख रहा है। सो या दोनों आईज पे लाइनर हो चुका है। एंड गाइस ये लाइनर आपको जरूर लेना चाहिए, कोई भी लाइनर ले लो आप, इसमें ब्लैक, ब्लू, बट ये थोड़े कलरफुल लाइनर्स अच्छे लगते हैं कभी कभी। गॉट माई ब्लश, सो ये देखो बिल्कुल सेम पैकेजिंग है। दिस इज रसबेरी ब्लश, रसबेरी शेड है, इट्स 01 फ्रोजन रसबेरी। सो ये मैंने बहुत यूज करा है बट ये खत्म नहीं हुआ है, ये बिल्कुल भी अभी इसका पैन दिखना शुरू नहीं हुआ। दिस इज द शेड एंड मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, ज्यादा लग गया आई थिंक सो। ये देखो काफी प्यारा ब्लश है, बच गया। मुझे ये हाइलाइटर भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता है बिकॉज ये वर्क नहीं करता है, बट देख लेते हैं इसे एक बार आपके सामने ट्राई करके, ठीक है। नोज पे तो मुझे वैसे भी हाइलाइटर सारे वर्क कर जाते हैं, लेट्स सी। ब्लेंड अच्छे से हो रहा है, थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी लेनी पड़ेगी अगर आपको हाईलाइटर ग्लॉसी लुक पसंद है। आईब्रोज रह गई है, मैंने आईब्रोज नहीं करी है, सो आई एम यूजिंग दिस हाई डेफिनेशन ब्रो पाउडर, जिसकी एक साइड ब्राउन लाइनर है एंड एक साइड ब्रो पाउडर है। सो सबसे पहले मैं आपको ये ब्रो पाउडर है एंड लाइनर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, लाइनर भी काफी अच्छा है। सी माय ग्लैम के लाइनर्स आर रियली गुड, विच इज दिस माय मनीष मल्होत्रा मस्कारा। सो जस्ट लुक एट दिस, एक बार करा है मैंने बस, बहुत सही मस्कारा है गाइज। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर है बट बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले तो मैं माई ग्लैम का लिप लाइनर यूज कर रही हूँ, विच इज माई ग्लैम लिट मैट लिप लाइनर पेंसिल। सो ये काफी अच्छा है, इसका प्राइस है 445, डिस्काउंट में एज यूजल आपको मिल जाएगा। इट्स इजी टू ग्लाइड एंड बहुत प्यारा है, आप इसे एज ए लिपस्टिक भी यूज कर सकते हो। स्वॉच मैं पिगमेंटेशन में दिखा देती हूँ, बहुत अच्छा है। एंड लिपस्टिक मैं यूज कर रही हूँ आजकल, माई ग्लैम ने 3 का सेट लॉन्च करा है लिपस्टिक्स का, सो ये उसी में से एक लिपस्टिक है। दिस इज लिक्विड लिपस्टिक एक्सक्लूसिवली बाय माई ग्लैम पॉपेक्सो एंड द शेड इज चीयर लीडर। सो इसका भी मैं आपको एक बार स्वॉच दे देती हूँ, देखो कितना प्यारा शेड है। तो दिस इज द लिप शेड। फाइनल लुक
एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेकअप कितना अच्छा प्यारा सा टर्न आउट हुआ है। जो जो मेरी रिकमेंडेशन है आप उसे जरूर ट्राई कर सकते हैं मुझ पे ट्रस्ट करके, बिकॉज दीज आर बॉम्ब बॉम्ब प्रोडक्ट्स है गाइज जो मैंने आपको रिकमेंड करे हैं, सो यू कैन ट्राई इट आउट। सो या गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जरूरी 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 है बहुत ज्यादा शेयर करना, जिनको मेकअप बहुत ज्यादा पसंद है सो उनके साथ जरूर शेयर करना है आपको। सो या गाइज वील मीट सून विद अनदर वीडियो, बाय बाय।